जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका राज विद्या राजगुह्य योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन हम तो कब बतावत ही कि कैसे कुछ महात्मा या महान आत्मा जे सौम्य स्वभाव के हैं और हम पे विश्वास करत हैं, हमार पूजा कैसे करत हैं। अर्जुन महात्मा वे हैं जे हमरे गुणों के महिमा जानत हैं और कई रूपों में हमार पूजा करत हैं। उनके पास ही ज्ञान है कि हम इस सृष्टि में सभी रूपों में मौजूद ही, देवताओं मनुष्यों पशुओं और पक्षियों। इसके अर्थ है कि वे हमका एक नाम और एक रूप तक सीमित नहीं रखते। उनका ये अनुभव होता है कि हम एक ही लेकिन हर चीज़ से एकजुट है और सभी रूपों में मौजूद है। महात्मा लोग इसी प्रकार हमार पूजा करते हैं। इस प्रकार की पूजा या उपासना का ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण परमात्मा हमका बतावता है कि महात्मा लोग उनके विभिन्न रूपों के माध्यम से उनके पूजा कैसे करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के उपदेशों का ध्यान में रखते हुए आओ हम इस स्पष्ट समझ का बढ़ावे का प्रयास करी कि श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण इस सृष्टि में सभी रूपों में विद्यमान है। इस समझ के साथ चली कि हम इस सृष्टि में प्रत्येक रूप के माध्यम से श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के पूजा करे का प्रयास कैसे की थी। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ का पालन करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करते हुए आओ हम ही प्रयास करी कि श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों का श्लोक के रूप में ज्यों के त्यों दोहराए सकी। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन,
हे श्रीमन नारायण। अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन हे श्रीमन नारायण। अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता देके हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ओम। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।